Hi friends, welcome to our YouTube channel, The Competition of Friends. Today we are going to start RRB, ALP and Technician Science question. देखिए daily 11:30 AM से हम questions आपके लिए लेकर आ रहे हैं. तो आपको अगर ALP CBT 2 की तैयारी करनी है तो देखिए MCQs हम डेली आपके लिए साइंस के 20 लेके आएंगे. अभी लास्ट सेशन में हमने आपके लिए साइंस और उसकी ब्रांचेस लेके आए थे कि कौन सी ब्रांच में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs आज हम लेके आए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लाएंगे. तो डेली हम आपके लिए लेक्चर कवर करा रहे हैं. और दूसरी चीज़, हम आपके लिए ALP CBT 2 की पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की क्लासेस चला रहे हैं. इसके अलावा हमारी ट्रेड वाइज क्लासेस चल रही हैं फॉर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, वेल्डर एंड डीजल मैकेनिक एज वेल. तो इन सब की क्लासेस हम चला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें. चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2, DDT. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, CO2. जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु प्रदूषक नहीं है. प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में या नेक्स्ट किसी अन्य ग्रह पर? तो देखिए प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. थर्ड क्वेश्चन हमारा, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया. जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन लुई पाश्चर ने, वॉन हेलमोंट ने, रॉबर्ट हुक ने या ओपरिन ने? ऑप्शन डी ओपरिन, करेक्ट ऑप्शन आपका ओपरिन. चलिए क्वेश्चन फोर, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ये तो आप सभी को पता होगा, फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से. तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से. निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीजों में या फिर नेक्स्ट ऑप्शन प्लीज, नीम की पानी में. तो देखिएगा निकोटीन कहाँ पाया जाता है, आपको अच्छी तरह पता होगा, निकोटीन आपका पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6. चलिए देखिए, कीट भक्षी पौधा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधा है ऐसा पौधा जो कीटाणु खा लेता है, जो कीट पतंग होते हैं उनको खा लेता है, ठीक है? अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी. इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्रोसरा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबल प्राइज पुरस्कार मिला. देखिए नोबल प्राइज किसे मिला, वॉटसन एवं क्रिक, डॉक्टर एजी खुराना, रॉबर्ट हुक, ब्रिगस एवं किंग. सबसे पहली बात सबको मिला था, लेकिन 1962 में ब्रिगस एवं किंग को मिला था. चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? अनुवंशिकता के जन्मदाता हैं लैमार्क, डार्विन, खुराना या मेंडल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी मेंडल, अनुवंशिकी के जन्मदाता मेंडल हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है. चलिए आलू क्या है? आलू आप सभी को पता होगा क्या है, जड़ है, तना है, फल है या बीज है? आलू हम फल की तरह खाते तो जरूर है, मगर ये क्या है, आलू एक तना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग. इस क्वेश्चन को का जवाब देना बहुत आसान था. चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया, चेचक का वैक्सीन. देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पहले का पढ़ा हुआ है, पूछा गया है कई बार. लुई पॉस्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने, साल्क ने? तो ऑप्शन बी डॉक्टर जेनर ने, चेचक के वैक्सीन का आविष्कार इन्होंने किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? देखिए कौन सी बीमारी है जिस पे काबू पा लिया गया है, अभी हाल ही में काबू पाया गया है, इससे पहले ये बीमारी क्योरेबल नहीं होती थी. टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर? टीबी पे बिल्कुल हमने टीबी पे ओवरकम कर लिया है. भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है DDT, कितना पाया जाता है भारत के लोगों की वसा में? तो 1 to 30 PPM DDT पाया जाता है, 1 to 12 नहीं. चलिए 31 to 50 भी नहीं, ओके. चलिए DDT बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है. चलिए
ये तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. प्राकृतिक कीटनाशक एजाडरकटीन प्राप्त होता है तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से. देखिए कीटनाशक बोल दिया तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कीटनाशक का काम कौन करता है. देखिए नीम को हम बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं कीटाणु नाशक के रूप में, तो करेक्ट ऑप्शन नीम से. चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग. एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है? पौधे, दवाएं, सिरप्स, टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स नहीं, पौधे नहीं, सिरप नहीं, दवा. चलिए निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया. ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि बिल्कुल दिमाग में रटे हुए हैं. खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोप्स, राइबोजियम. तो राइजोबियम होना चाहिए, राइजोबियम. कौन दूध को दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. इन्फ्लुएंजा H1N1, ये तो कई बार सुना भी होगा आपने. H1N1 इन्फ्लुएंजा जो होता है स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है. स्वाइन फ्लू एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. मेडकाउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, स्वाइन फ्लू. चलिए रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशवॉल, ऑस्टिन. रडार का आविष्कारक आपको पता होगा अच्छी तरह. रडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वॉटसन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रॉबर्ट वॉटसन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. 18th क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग होती है जिससे, कौन सा अंग प्रभावित होता है? हार्ट, लीवर, किडनी या लंग्स. तो देखिए आपका आपका लीवर इफेक्ट होता है, ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग. किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B12. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विटामिन B12. इसमें कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में. पहले भी सुना होगा आपने ये क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है. चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र जिससे हम रक्तदाब यानी बीपी, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कौन सा है? अपने से गेस करिए आप, ये तो आपको जरूर पता होगा. ठीक है, आपने बीपी की मशीनें हमेशा देखी होंगी, हमेशा आपको इधर उधर फार्मासिस्ट भी रखते हैं और डॉक्टर्स भी रखते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा. चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं. स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और अमीटर. तो आपको अच्छी तरह पता है स्फिग्मोमैनोमीटर. मीटर तो करंट को मेजर करता है, ठीक है, ये तो आप आसानी से अलग कर लेंगे, और स्फिग्मोमैनोमीटर. चलिए अभी के लिए सेशन यहीं खत्म करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हमारे साथ कनेक्टेड रहे. नेक्स्ट लेक्चर हम जल्द देके आएंगे.